हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि माइक्रोब्स का यूज ह्यूमन बीइंग्स हजारों साल पहले से ही कर रहे हैं अपने वेलफेयर के लिए। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोब्स का यूज हम लोग अलग अलग पर्पज के लिए कर सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, जिसमें हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे बायोगैस भी प्रोड्यूस की जा रही है माइक्रोब्स की हेल्प से और कैसे एग्रीकल्चरल फील्ड में भी माइक्रोब्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपसे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, चाहे वो कर्ड हो, चाहे वो चीज हो, चाहे वो टोडी हो, चाहे वो कोई भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो, चाहे वो डो ही क्यों ना हो जिससे ब्रेड बनाई जाती है, ये सारी चीजें माइक्रोब्स की हेल्प से प्रिपेयर की जाती हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फर्मेंटेड बेवरेजेस जिसमें विस्की, ब्रांडी, रम वगैरह आती है, वो माइक्रोब्स की हेल्प से बनाई जाती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं जो माइक्रोब्स की हेल्प से बनाई जाती हैं। मेनली बैक्टीरिया और फंजाई का यूज करते हैं एज अ माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, बट और भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है वेलफेयर के लिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में माइक्रोब का यूज करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बायोगैस के बारे में, बायोगैस कैसे बनती है माइक्रोब्स की हेल्प से। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट रोल्स के बारे में। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं माइक्रोब्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। माइक्रोब्स के बिना बहुत सारे प्रोसेसेस पॉसिबल नहीं है। माइक्रोब्स हमारे लाइफ को पॉजिटिव और निगेटिव वे दोनों वे में इंपैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या यूज होता है। जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स हर एक चीज से अपने काम की चीज निकालना जानते हैं, यूजफुल चीजों को वो यूज कर लेते हैं। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स ने अपने वेलफेयर के लिए माइक्रोब्स का यूज किया कि ये देखिए क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो माइक्रोब्स से हमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको मिल सकती हैं। सो माइक्रोब्स आपके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। जितने भी लिविंग सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, उन सभी के ये मेजर कंपोनेंट होते हैं। ऑन द अर्थ दीज आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप इनको हम नहीं देख सकते, दे आर टू स्मॉल। ओके, सो दीज आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल, दैट इज यूनिसेलुलर टाइनी क्रिएचर्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद अनएडेड आइज, दैट इज कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, एज आई टोल्ड यू। क्लियर? सो देर आर डाइवर्स फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स। आप जानते हैं कि माइक्रोब एक टर्म है, इस कैटेगरी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब विच इंक्लूड प्रोटोजोआंस, प्रोटोजोआंस बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस एंड वायरॉइड्स, और साथ में प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रियॉन्स, ये भी लाई करते हैं माइक्रोब्स में। सो प्रियॉन्स आर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट। आइए अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे किस किस वैरायटी के माइक्रोब्स पाए जाते हैं। बच्चों, आप इस डायग्राम को अच्छी तरह देखिए। ये वाला माइक्रोब तो बहुत खुश दिख रहा है, कह रहा है ये सारे मेरे इतने सारे रिलेटिव्स। यानी कहने का मतलब ये कि माइक्रोब्स में देखिए बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मीन्स बैक्टीरिया भी माइक्रोब्स होते हैं, फंजाई भी माइक्रोब्स होते हैं, प्रोटोजोआ और एल्गी भी माइक्रोब्स में आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। आइए एक एक करके इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं माइक्रोब्स के बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट के बारे में। आइए देखते हैं किस तरह से माइक्रोब्स हमारे लिए दो रोल प्ले करते हैं, या तो वो बेनिफिशियल होंगे या तो वो हार्मफुल होंगे। हार्मफुल इम्पैक्ट होगा ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि माइक्रोब्स प्लांट के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं और हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो प्लांट्स में कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ये हो गया उनके लिए यूजफुल इफेक्ट। और बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट में डिसीज कॉजिंग होते हैं, ये हो गया उनके लिए हार्मफुल इफेक्ट। आइए अब हम बात करेंगे यूजफुल माइक्रोब्स और हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। देखिए बच्चों, यूजफुल माइक्रोब्स का जनरली हम लोग यूज करते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, जैसे कि कर्ड बनाना है, डो बनाना है, इन सब प्रिपरेशन में हाउस होल्ड यूज इनका होता है। इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रीज भी माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा यूज करती हैं, स्पेशली जो बेवरेज इंडस्ट्री है जिसमें वाइन, बियर वगैरह बनता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, उसमें माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक प्रिपरेशन में भी हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई से हमें क्या मिलता है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन मिलती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। हार्मफुल माइक्रोब्स की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं ये पैरासाइट हो सकते हैं, अपने होस्ट की बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, ये उनसे न्यूट्रिशन लेंगे।
एंड डिसीज कॉजिंग होते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, साथ में कुछ दूसरे इनके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों पे होते हैं। आइए अब एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट और कुछ कुछ यूजफुल इफेक्ट क्या क्या होते हैं। सो ऑल्दो माइक्रोब्स आर कॉजल एजेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीजेस, दे ऑल्सो हैव बीन यूज बाय ह्यूमन फॉर मैनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए इसको यूज भी कर रहे हैं। इन होम्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो इन सीवेज ट्रीटमेंट, इनका यूज सीवेज ट्रीटमेंट में भी होता है। सीवेज ट्रीटमेंट में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि सीवेज ट्रीटमेंट में मेनली हम लोग एनएरोबिक माइक्रोब्स का यूज करते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, वी हैव टू डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर। हमें मेनली उन माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होते हैं, यानी पॉजिटिव इंपैक्ट वाले होते हैं, यूजफुल इंपैक्ट वाले होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके इन सारे माइक्रोब्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोब्स एंड देयर यूजेस। और माइक्रोब्स जो होते हैं आप जानते हैं हर जगह प्रेजेंट होते हैं अर्थ में, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, इवन हम कह सकते हैं कि हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं एवरीवेयर ऑन द अर्थ। दैट इज चाहे वो सॉइल हो, एयर हो, वाटर हो, इनसाइड अवर बॉडी, इवन प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स की बॉडी में भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दे आर इवन प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी कि ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हार्श हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, लाइक थर्मल वेंट्स, गीजर में पाए जाएंगे, मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर पर पाए जाएंगे, विद हाई टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अंडर थिक लेयर्स ऑफ स्नो, बर्फ की जो मोटी मोटी लेयर्स होती हैं, जो पोलर रीजन होते हैं, ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट, जो हाईली एसिडिक एनवायरमेंट्स होते हैं ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं। मीन्स इन माइक्रोब्स में कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी होती होगी जो इनको वहाँ पर सर्वाइव करने में हेल्प करती होगी। आइए, द माइक्रोब्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया कैन बी कल्चर्ड इन लेबोरेटरी ऑन ए न्यूट्रिटिव मीडियम। अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स लाइक फंजाई और बैक्टीरिया की, तो इनको लेबोरेटरी में भी हम कल्चर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं ऑन ए न्यूट्रिटिव मीडिया। ये जो न्यूट्रिटिव मीडिया होता है, इसकी खास बात क्या होती है, इसमें खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है, जो भी उस माइक्रोब की ग्रोथ के लिए एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो सारी उस न्यूट्रिटिव मीडिया में ऐड होती हैं टू फॉर्म कॉलोनीज, ताकि वहाँ पर वो माइक्रोब कॉलोनी बना सके, ग्रो कर सके। और जब वो कॉलोनी बनाएगा तो उसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल माइक्रोब को देखना तो पॉसिबल नहीं है नेकेड आई से, बट अगर कॉलोनी बना लेता है तो उसको हम देख सकते हैं विद द नेकेड आईज, यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप भी उन कॉलोनीज को हम देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो कल्चर्स होते हैं जिसको हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली कल्चर कराते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया का यूज़ करके, आर यूजफुल इन साइंटिफिक स्टडीज़। ये कल्चर्स साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए यूजफुल होते हैं। आप जानते होंगे कि जो माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसा मौका मिलता है, उनको कल्चर करना होता है माइक्रोब्स को जब वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब लैब में। सो ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द वेरियस माइक्रोब्स यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रीज एंड सीवेज आर गिवेन हियर। आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। आइए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप इस टॉपिक में आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखते हैं कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हम कैसे इनका यूज करते हैं, और मुझे पक्का मालूम है कि आपको भूख भी लगेगी क्योंकि सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इसमें हमें पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं, माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर यूज इन एवरीडे लाइफ। Examples, production of curd. आप जानते हैं जो घर में दही यूज करते हैं हम लोग, कर्ड यूज करते हैं, उसके प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। फॉर्मेशन ऑफ डो, जो डो होता है जिससे ब्रेड बनता है, उसमें भी माइक्रोब्स का यूज होता है, और चीज प्रिपरेशन में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। आइए एक एक करके इन सारी बातों को समझते हैं कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ड, कर्ड प्रिपरेशन में कौन से माइक्रोब्स कैसे यूज होते हैं, आइए देखते हैं, और ये कैसे हेल्प करते हैं कर्ड प्रिपरेशन में। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट इज LAB, आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। एक्चुअली में ये जो लैक्टोबैसिलस होता है या जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, ये मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। सो ग्रो इन मिल्क, ये ग्रो करते हैं मिल्क में एंड कन्वर्ट इट इन टू कर्ड। वी हैव सीन एट होम दैट अ स्टार्टर इज एडेड टू मिल्क विच टर्न्स इट इन टू कर्ड। आपने घर में भी देखा होगा कि अगर हमें दही जमाना है तो थोड़ा सा एक चम्मच दही हमें पहले ऑलरेडी उस मिल्क में मिलाना होता है ताकि वो भी कर्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हमें मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है तो हमें स्टार्टर का यूज करना पड़ेगा। स्टार्टर क्या होता है, स्टार्टर एक तरह से कह सकते हैं ये एक इनोकुलम की तरह बिहेव करता है, या इनोकुलम होता है जिसमें आपके मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, उसी से वो ग्रो करते हुए अपने नंबर को बढ़ाते हैं और मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में। सो दिस स्टार्टर इज नोन एज इनोकुलम। इसी स्टार्टर को क्या बोलते हैं? इनोकुलम बोलते हैं। विच कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ड्यूरिंग ग्रोथ। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस जो होंगे ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। दैट कोगुलेट्स द पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स, और ये पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन्स को क्या कर देगा? कोगुलेट करा देगा, जमा देगा। इस तरह से हमारा कर्ड प्रिपेयर हो जाएगा मिल्क से। चलिए आप देखिए, आपने इस तरह से कर्ड देखा होगा अगर मैं जनरली, और अगर मैं आपसे कहूं कि इस कर्ड को अगर अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाए तो आपको बहुत सारे डांस करते हुए इस तरह से मूव करते हुए ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही मिलियंस के नंबर में इस कर्ड में प्रेजेंट होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से ये हो गया हमारे लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और ये हो गया हमारा होम मेड कर्ड और दही। ठीक है, चलिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। इस तरह से जो हमारा मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दे ऑल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग विटामिन B12 कंटेंट ऑफ द कर्ड। और जो माइक्रोब्स होते हैं यानी कि जो हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है ये मिल्क की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर देता है बाई इंक्रीजिंग द विटामिन B12 कंटेंट ऑफ द कर्ड। इस तरह से कर्ड जो होता है वो बहुत हेल्दी होता है, स्पेशली स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। नाउ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑल्सो प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन अवर स्टमक। यानी कि इसकी खास बात यह भी होती है कि ये जो बैक्टीरिया होता है जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है हमारे स्टमक में। चलिए तो ये बात हो गई कर्ड की, अब हम बात करेंगे डो के बारे में। आप जानते हैं इस तरह से जो शेफ्स होते हैं वो डो प्रिपेयर करते हैं जिससे अलग अलग प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, ब्रेड वगैरह बन सकती है इससे। सो डो प्रिपरेशन में या डो से बनने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसमें कैसे माइक्रोब्स का यूज करते हैं, आइए देखते हैं। माइक्रोब्स आर यूज इन मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली। डोसा एंड इडली, अब तो सबको भूख लगने वाली होगी नाम सुन के कि ये डोसा और इडली में माइक्रोब्स कैसे यूज होते हैं। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ देयर डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस थ्रू फर्मेंटेशन बाई बैक्टीरिया। एक्चुअली में डो में क्या होता है, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू लार्ज अमाउंट में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, और इसी गैस की वजह से क्या होता है जो पफ अप अपीयरेंस आता है, फूला फूला सा ये डो फील होता है, और ये हेल्प करता है आगे के प्रोडक्ट्स को प्रिपरेशन में लाइक डोसा एंड इडली में ये हेल्प करता है। आगे देखते हैं, ये देखिए इन ब्रेड मेकिंग, अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली ब्रेड मेकिंग की क्योंकि ब्रेड भी डो से ही बनती है, आपको मालूम होना चाहिए। इन ब्रेड मेकिंग डो इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट, है ना। तो ब्रेड मेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, डो को फर्मेंट कराते हैं बाय यूजिंग बेकर्स ईस्ट। ये बेकर्स ईस्ट क्या होता है? बेकर्स ईस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ये हमारा एक ईस्ट होता है यानी फंजाई कैटेगरी से बिलोंग करता है, और इस तरह से डायग्राम देखिए सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का ये ईस्ट है, इसमें बडिंग भी हो रही है कहीं कहीं पे, देखिए बड्स वगैरह ग्रो कर रही हैं। और मार्केट में इस तरह से ये पार्टिकल फॉर्म में ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है जिसका यूज जो आपकी बेकर इंडस्ट्रीज होती हैं वो यूज करती हैं, बेकरी वाले यूज करते हैं ब्रेड प्रिपरेशन में। चलिए अब आगे डिस्कस करेंगे टोडी के बारे में। सो व्हाट इज टोडी? टोडी बच्चों एक साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, साउथ इंडिया में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्चुअली में इसको वहां पे या हिंदी में बोल सकते हैं, इसको ताली भी बोल सकते हैं, ताली एक या बोल सकते हैं टोडी। ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि यूज होती है सम पार्ट ऑफ द सदर्न इंडिया। इट इज मेड बाय द फर्मेंटिंग सैप ऑफ द पाम ट्रीज एंड कोकोनट ट्रीज। तो पाम ट्रीज स्पेशली यूज होते हैं इस टोडी के प्रिपरेशन में, ठीक है। और जो माइक्रोब्स होते हैं इस टोडी के अलावा और क्या क्या काम कर सकते हैं? माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट लाइक फिशेस सोयाबीन्स बैम्बू शूट्स एक्सेट्रा टू मेक फूड। यानी कि माइक्रोब्स फर्मेंटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो फिशेस को भी फर्मेंट करा सकते हैं, सोयाबीन को भी फर्मेंट करा सकते हैं, बैम्बू शूट्स को भी फर्मेंट करा सकते हैं। सो अभी हमने बात की टोडी के बारे में जो कि एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, साउथ इंडिया में यूज होती है। फर्मेंटिंग सैप ऑफ पाम ट्रीज से इसको आइसोलेट किया निकाला जाता है, और देखिए किस तरह से ये प्रिपेयर होती है इस डायग्राम के थ्रू। देखिए इस पाम ट्री से किस तरह से ये टोडी प्रिपेयर की जा रही है, होस्ट कर दिए जाते हैं जिसके थ्रू ये इन पॉट्स में ये टोडी या धीरे धीरे जो सैप होता है वो कलेक्ट होता है, और फाइनली फर्मेंटेशन के बाद इसका यूज किया जाता है एज अ बेवरेज, ठीक है। चलिए तो ये बात होगी टोडी की जिसमें माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे चीज के बारे में। चीज
ये एक बहुत ही फेमस एक फूड प्रोडक्ट होता है, आप जानते हैं पिज्ज़ा में भी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अलग अलग तरह की चीज़ आते हैं आप जानते होंगे, स्पेशली पिज्ज़ा के केस में मोज़रेला चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होता है आप जानते होंगे, बट हमारे सिलेबस में मोज़रेला चीज़ नहीं है। बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है स्विस चीज़ के बारे में और रॉकीफोर्ट चीज़ के बारे में, तो आइए एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो चीज़ क्या होता है बच्चों, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के पार्शियल डिग्रेडेशन से चीज़ की प्रिपरेशन की जाती है बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज आर नोन बाय देयर टेक्सचर एंड फ्लेवर एंड टेस्ट, यानी कि अलग अलग वैरायटी के जो चीज़ होते हैं, जैसे मोज़रेला चीज़ है, स्विस चीज़ है, रॉकीफोर्ट चीज़ है, ये जो अलग अलग वैरायटी के जो चीज़ प्रेजेंट होते हैं ये उनके टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट की वजह से होते हैं। अलग अलग वैरायटी की चीज़ का जो टेक्सचर, फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, वो अलग अलग होता है। दिस स्पेसिफिसिटी कम्स फ्रॉम द माइक्रोब यूज, अलग अलग माइक्रोब का यूज़ करने की वजह से चीज़ स्पेसिफिक टाइप की बनती है, उसका टेक्सचर और फ्लेवर अलग अलग आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स। अब हम एग्जांपल्स की बात करेंगे बच्चों, तो हमारे सिलेबस में स्विस चीज़ और रॉकीफोर्ट चीज़ दिए हुए हैं। ये स्विस चीज़ और रॉकीफोर्ट चीज़ क्या है, ये इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों स्विस चीज़ के बारे में। स्विस चीज़ क्या होती है, ये रहा डायग्राम स्विस चीज़। किसी भी टॉपिक को अगर हमें अच्छी तरह समझना है तो यूज़ करेंगे डायग्राम्स का। डायग्राम का यूज़ करके हम स्विस चीज़ को इजी वे में समझ सकते हैं। आप जानते होंगे इस डायग्राम को देख के आपको एक कार्टून की याद आ रही होगी, टॉम एंड जेरी। बचपन में बहुत सारे बच्चे इसको देखते भी होंगे, जिसमें जेरी जो होता था वो टॉम से बचने के लिए इन्हीं स्विस चीज़ के होश में एंटर कर जाता था, छुप जाता जाके, और उसको ये चीज़ बहुत पसंद हुआ करती थी। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो कि ये स्विस चीज़ टॉम एंड जेरी वाली चीज़ है। इसकी खास बात क्या होती है बच्चों, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है, इसमें लार्ज होल्स होते हैं, जो बड़े बड़े होल्स आपको दिख रहे हैं यही इसकी पहचान होती है। मीन स्विस चीज विद लार्ज होल्स इज प्रोड्यूस बाय प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। एक्चुअली में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ये प्रोड्यूस करता है स्विस चीज को या हेल्प करता है स्विस चीज के प्रोडक्शन में। एक्चुअली में जो होल्स आते हैं दीज आर क्रिएटेड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय दिस बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया जो होता है यहाँ पे रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, वो बबल होकर निकलती है, जिसकी वजह से ये लार्ज होल्स इस चीज में बन जाते हैं। सो विच बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस स्विस चीज, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये बात आपको याद करनी होगी, और ये रहा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, इसकी इमेज क्लियर हो गया। इस तरह से स्विस चीज हमारा कंप्लीट होता है। आगे आइए डिस्कस करते हैं, बात आएगी रॉकीफोर्ट चीज के बारे में। देखिए वहां पे हमने बैक्टीरिया का यूज किया, बट यहां पे क्या हो रहा है, रॉकीफोर्ट चीज के प्रिपरेशन में फंगस यूज होता है, और उस फंगस का नाम होता है पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रॉकीफोर्ट चीज बनती है पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई से। सो रॉकीफोर्ट चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि हमने अभी बात की प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, वो बैक्टीरिया होता है, वो बनाता है स्विस चीज, जबकि पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई होता है हमारा फंजाई, ये बनाता है हमारा रॉकीफोर्ट चीज। सो रॉकीफोर्टाई जो पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई है, ये ग्रो करेगा और ये बनाएगा रॉकीफोर्ट चीज, विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। और यही पेनिसिलियम फंगस इस चीज को, रॉकीफोर्ट चीज को एक स्पेसिफिक फ्लेवर देता है, जो कि स्विस चीज से इसको डिफर करता है, सेपरेट करता है। ये रहा हमारा पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई फंगस, ये यहाँ पे ये प्रेजेंट है पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई, और ये रही हमारी रॉकीफोर्ट चीज। देखिए दिखने में बिल्कुल स्विस चीज से बिल्कुल डिफरेंट है ये। चलिए, इसका जो टेक्सचर है, इसका जो फ्लेवर है, और इसका जो टेस्ट है, वो स्विस चीज से अलग होता है। अब हम आते हैं आगे और डिस्कस करेंगे बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आप फोटोज को मत देखिए, फोटोज तो देखेंगे तो आपको बहुत तेजी से भूख लगने लगेगी, सारे फूड आइटम्स यहाँ पे बने हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इजी क्वेश्चन, आइए डिस्कस करते हैं। नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स, आपको कुछ ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स के बारे में डिस्कस करना है, जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स हर पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं यूज होते हैं, मेड ऑफ व्हीट राइस एंड बंगाल ग्राम, विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ माइक्रोब, जिसमें माइक्रोब्स का यूज होता है। कहते सर ये क्या फूड जो आपके इसमें है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है मेनली माइक्रोब्स के बारे में, है ना, कि माइक्रोब्स किस तरह से इन फूड्स के प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, यानी हाउस होल्ड जो यूजेस होते हैं उसको यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन। सो देखिए, आप जानते हैं कि जो वीट होती है इससे डो बनता है ना, ब्रेड मेकिंग में यूज होता है, तो ये हमारा हो गया वीट, इससे ये ब्रेड बनेगी डो के थ्रू। फिर आते हैं राइस के बारे में, राइस आप जानते हैं, राइस से बनती इडली, है ना। सो ये रहा इडली, इडली जो होता है वो राइस से बनता है, आपको मालूम होना चाहिए। एक एक एग्जांपल सबके ले लेते हैं। बंगाल ग्राम,
ये जो बंगाल ग्राम होता है आप जानते हैं, उसको चना बोल सकते हैं, और इससे आगे चल के बनता है बेसन, आप जानते होंगे, और बेसन से आगे चल के बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेडिशनल डिशेस, जिसमें ये ढोकला यहाँ पे बना हुआ है, और एक और ये डिश बनी हुई जो कि गुजरात में मेनली यूज होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी हो गई ये ट्रेडिशनल डिशेज, जो हमारी ये हो गई व्हीट से बनती है, ये बनती है राइस से, और ये बनती है ग्राम से, बंगाल ग्राम से। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड भी मिलते हैं। सो ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे एसिड्स के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हैं और कौन कौन से माइक्रोब उनको प्रोड्यूस करते हैं। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड मिलता है हमें एस्परजिलस नाइजर से, जो कि एक फंगस होता है। एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड मिलता है हमें एसिटोबैक्टर एसिटाई से, जो कि एक बैक्टीरियम होता है। ब्यूटायरिक एसिड हमें मिलता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिकम से, जो कि एक बैक्टीरियम होता है, आपको मालूम होना चाहिए। और लैक्टिक एसिड मिलता है हमें लैक्टोबैसिलस, जो कि एक बैक्टीरियम होता है। सो इस तरह से ये ऑर्गेनिक एसिड्स हमें इन इन बैक्टीरिया और फंजाई से मिलते हैं। ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फ्रेम होते हैं। सो सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर हो गया, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई हो गया, ब्यूटायरिक एसिड हो गया क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायलिकम, और लैक्टिक एसिड हो गया लैक्टोबैसिलस से। चलिए, अब आगे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, और हमें ये किन किन माइक्रोब से मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों, इसको जरूर याद करिएगा। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोडक्ट कौन कौन से, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में। ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है, ये हमें मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंजाई से। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम का फंगस ये साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है, जो कि एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। एक्चुअली में आपको ये जो पूरा टॉपिक है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का, ये आपको इम्यूनिटी वाले टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम पढ़ाएंगे कि किस तरह से ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उसमें किस तरह से इस साइक्लोस्पोरिन ए का यूज करके जो पेशेंट है उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, ताकि उसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो पाए। आइए अब हम बात करेंगे दूसरे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में, स्टैटिन्स। ये जो स्टैटिन्स होते हैं, ये मिलते हैं हमें मोनास्कस परप्यूरियस नाम के फंजाई से, जो कि एक तरह का ईस्ट होता है। आइए इसकी बात करते हैं, जो ये जो स्टैटिन्स होते हैं, इनका यूज होता है एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, है ना। तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करते हैं, कैसे करते हैं, इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, यानी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम के लिए ये कॉम्पिटिशन का वर्क करता है, ये कॉम्पिटिटिव वर्क करता है, जिसकी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं हो पाता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लो हो जाता है। इस तरह से स्टैटिन्स और साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में डिस्कस किया, और ये हमारे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स, ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स थे। आई होप इस तरह से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आपको पता चल गया किस तरह से माइक्रोब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं, कितनी अच्छी अच्छी फूड डिशेस हमको मिलती है माइक्रोब्स की हेल्प से, और किस तरह से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं जो लाइफ सेविंग होते हैं, हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इस तरह से माइक्रोब्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। थैंक यू। हे फ्रेंड्स, इफ यू वॉन्ट टू सी सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स फॉर क्लासेस 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.